हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बी प्रसाद है। अभी मैं फ़िलहाल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा हूं और मेरा तकरीबन 30 साल का एक्सपीरियंस है। और मीट विथ मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने जा रहा हूं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 3 भागों में बटा हुआ है। एक भाग है, पहला भाग है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो फॉर्मुलेटेड है, दूसरा भाग है इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा भाग है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। तो शुरू करते हैं हम। वैसे तो मैथ बनाने का, प्रैक्टिस करने का चीज़ है। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट जो कहावत है वो सही है, और डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। उस रूठे हुए पत्नी के समान जिसे रोज़ मनाने की आवश्यकता होती है, ये प्रैक्टिस करने के लिए, ये अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये रूठ जाएगा। इसलिए डेली प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। और इसे मैं सिंपल फॉर्म में ही बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तब शुरू करते हैं हम कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करेंगे इसको। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? डिफिनेशन इसलिए ज़रूरी पड़ता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कैसे आया, किस तरह से बनता है, क्यों, क्या और किस लिए, व्हाट, व्हाई और हाउ। ये तीनों चीज़ की जानकारी हो जाने से पूरा उसका उस सब उसके बारे में पता चल जाता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है, साइंटिस्ट का नाम है डी पेरेरे लाप्लास। उसने लाप्लास ऑपरेटर एल जो है इसमें ऑपरेटर किया है, और टी क्या है, डिवाइस है उसका। एल ऑपरेट करता है टी डिवाइस को। तो इफ फंक्शन ऑफ टी, टी फंक्शन, इफ फंक्शन ऑफ टी, एफ टी इज ए फंक्शन, एफ टी इज ए फंक्शन ऑफ टी, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ऑफ टी विच इज डिनोटेड बाय, विच इज डिनोटेड बाय एल ऑफ एल एफ टी। Is defined by L F T is equals to integration 0 to infinite E minus S T F T D T, where S is a parameter, S is a parameter which may be real or complex, and LFT
provided integral exists, if ft is a function of t for all positive values of t, which is denoted by lft, is defined by lft is equal to integration 0 to infinite e minus st ft dt, where s is a parameter which may be real or complex, and lft provided that integral exists. Laplace transformation operator. Laplace transform operator. The symbol L is the symbol L which LFT, which FT function of T transform into F bar S, that is known as Laplace transform operator. यानि L transform करता है function of T को, L transform करता है किसमें, F bar S that is equals to result, यानि S में convert कर देता है. इसका condition क्या है, condition for existence. Condition for existence, LFT L function Laplace on LFT FT is LFT FT is continuous FT function of T first है function of T is continuous. कंटिन्यूटी होना चाहिए, फंक्शन ऑफ टी कंटिन्यूस होना चाहिए. एंड दूसरा क्या कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ए टी एफ टी इज इक्वल्स टू फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट नंबर. दो कंडीशन होना चाहिए, फाइनाइट नंबर होना चाहिए, ई ए टी एफ टी फाइनाइट होगा और कंटिन्यूस होगा, तभी ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो सकता है. इट इज़ नेसेसरी बट नॉट It is the condition is sufficient. The condition is sufficient but not necessary. The condition is sufficient but not necessary. आप लोग इसको नोट कर लें, उसके बाद आगे हम एप्लीकेशन, डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर एलिमेंट्री फंक्शन
ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का हम बताएंगे, जो फार्मूला उससे होगा, उसके बाद उसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूफ करेंगे। फंक्शन ऑफ टी एंड एफ बार एस, फंक्शन ऑफ टी एफ बार एस, एफ वन डेट इज इक्वल्स टू एफ बार एस वन बाय एस, और एस इज ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड है फंक्शन ऑफ ई ए टी, फंक्शन ऑफ ई ए टी, फंक्शन ऑफ ई ए टी डेट इज इक्वल्स टू वन बाय एस माइनस ए, एस इज ग्रेटर देन ए। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ टी टू द पावर एन, इसमें लाप्लास एल लगा देंगे, लाप्लास इसका फंक्शन ये है, तो इसका क्या होगा टी टू पावर एन गामा फंक्शन एन प्लस वन बाय एस टू द पावर एन प्लस वन, और फैक्टोरियल एन, गामा फंक्शन एन प्लस वन को फैक्टोरियल एन भी कहते हैं, फिर एन इज ग्रेटर देन माइनस वन। नेक्स्ट है एल एफ, एल एफ साइन ए टी, एल एफ साइन ए टी, एल एफ टू साइन ए टी दैट इज इक्वल्स टू ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एस इज ग्रेटर देन ए। नेक्स्ट है एल एफ फंक्शन ऑफ कॉस ए टी, दिस इज इक्वल्स टू एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस इज ग्रेटर देन ए। एंड एल एफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, हाइपरबोलिक ए टी, दिस इज इक्वल्स टू ई बाय एस स्क्वायर, केवल साइन चेंज हो जाएगा, सेम रहेगा, हाइपरबोलिक में साइन केवल चेंज हो जाएगा और सेम रहेगा, एस ए टी दैट इज इक्वल्स टू एस इज ग्रेटर देन ई। नाउ लास्ट फंक्शन ऑफ कॉस एच, एच हाइपरबोलिक ए टी इक्वल्स टू एस, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस इज ग्रेटर देन ए। ये फार्मूला है, इसका इसको हम प्रूफ्ड करेंगे एक एक करके बारी बारी से, प्रूफ्ड करने के बाद प्रूफ्ड एग्ज़ाम में आता है, जेयूटी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के में भी इम्पोर्टेंट है, और इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल इसको प्रूफ्ड करेंगे तो क्या होगा, वो डिफिनेशन से जो प्रूफ्ड होता है उसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से कहा जाता है। तो हम आते हैं एक एक करके प्रूफ्ड करेंगे, सबसे पहले इसको नोट कर लें, नोट करने के बाद हम इसको एक एक करके प्रूफ करने जा रहे हैं। एल फ्रॉम डिफिनेशन,
from definition. From definition क्या है? L function of t is equals to integration 0 to infinite e minus st ft function of t dt is equals to f bar s. यही डिफाइन करता है लाप्लास. अब आते हैं एफ टी के जगह पर एल एफ वन. दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई माइनस एस टी इंटू वन डी टी. दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई माइनस एस टी डी टी. दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा इसका ई एस टी ई एक्स का डिफरेंस. ई एक्स का होता है इंटीग्रेशन डी एक्स. दिस इज इक्वल्स टू ई एक्स. और इसी में अगर कॉफिशियंट रहता है कॉन्स्टेंट कोई, अगर टू एक्स है तो यहाँ हो जाएगा वाई टू. ये इस तरह से हो जाएगा ई टू एक्स बाई टू. तो यहाँ पर यह होगा ई माइनस एस टी बाय कॉफिशियंट क्या है माइनस एस. इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट. अब इसको क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई माइनस इनफाइनाइट इंटू ई माइनस इनफाइनाइट. पहले लिखे एस, इनफाइनाइट किस में पुट करेंगे हम, इनटू इनफाइनाइट पुट करेंगे टी में. टी क्या है, टी है वेरिएबल्स है डी टी. टी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए टी वेरिएबल्स है. और टी में ही हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. माइनस एस माइनस लोअर लिमिट जीरो है तो यहाँ पुट करेंगे माइनस एस इंटू जीरो बाय माइनस एस. ये आ जाएगा हमको. अब इंटीग्रेशन इसमें क्या है, एस इंटू इनफाइनाइट डेट इज इक्वल्स टू जीरो. जीरो इसको लिख देंगे जीरो और माइनस माइनस प्लस प्लस और ई टू द पावर जीरो. माइनस एस इंटू जीरो क्या हो जाएगा ई टू द पावर जीरो इज इक्वल्स टू क्या हो गया वन. तो यहाँ हो गया वन बाय एस. यही मेरा निकला क्या, वन बाय एस. एस इज ग्रेटर देन जीरो. एस क्या है, जीरो से बड़ा है. तो इसमें वन बाय एस यही प्रूव करना था. वन का क्या निकला हमारा, ये वन बाय एस. इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल. फ्रॉम डिफिनेशन से इसका हम निकालते हैं तो इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल. फाइंड, इस क्वेश्चन भी आता है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. ये भी आ सकता है कॉस स्क्वायर टी फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने कहेगा या साइन स्क्वायर टी फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने दे सकता है. ये क्वेश्चन आ सकता है जेयूटी में. नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ई ए टी. ई ए टी का हम कैसे निकालेंगे, कैसे प्रूव करेंगे. ई ए टी है इंटीग्रेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ई ए टी. इसका निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फ्रॉम डिफिनेशन. ये लिखना तो सब में रहेगा. और इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई माइनस एस टी इंटू एफ टी फंक्शन ऑफ टी के जगह पर क्या है मेरा, इंटू ई ए टी डी टी. दिस इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल, दोनों बेस सेम है तो क्या होगा, पावर जुट जाएगा. तो क्या होगा हमारा पावर, जीरो टू इनफाइनाइट और ई टू द पावर हम माइनस टी कॉमन ले लेते हैं तो क्या आता है हमारा, माइनस टी कॉमन लेने से एस माइनस ए आ जाएगा. और डी टी डी टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसका आएगा वन बाय ई टू द पावर माइनस टी
इंटू एस माइनस ए बाय माइनस एस माइनस ए, क्योंकि कॉफिशियंट है हमारा क्या है, कांस्टेंट क्या है हमारा, कॉफिशियंट एस माइनस ए कांस्टेंट है, माइनस एस माइनस ए कांस्टेंट है, टी क्या है वेरिएबल है, और किसके जीरो टू इनफाइनाइट दे देते हैं, जीरो टू इनफाइनाइट दे दिए, तब क्या हो गया हमारा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए इसको, अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, किस में पुट होगा, पुट होगा टी में, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो टी मेरा वेरिएबल्स है, टी का ही लिमिट होता है, तो टी क्या है माइनस इनफाइनाइट इंटू एस माइनस ए बाय माइनस एस माइनस ए, अपर लिमिट पुट कर दिए, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस जीरो इंटू एस माइनस ए बाय माइनस एस माइनस ए, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसका क्या होगा, इनफाइनाइट इंटू एस माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, टर्म्स आ जाएगा हमको जीरो, जीरो आ जाएगा जीरो, आइए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ई टू द पावर जीरो, ये पावर ई टू पावर जीरो क्या होता है, वन, पहले भी बता चुके हैं ई टू द पावर क्या होता है, जीरो वन, तो वन बाय एस माइनस ए, ये आ गया हमारा, क्या हो गया रिजल्ट इसका, वन बाय एस माइनस ए। अब एस क्या होगा, एस ए से बड़ा होना चाहिए, यही मेरा रिजल्ट, इसी प्रूफ्ड हो गया ये, इस प्रूफ्ड को नोट कर लें, उसके बाद हम आगे प्रूफ्ड करने जा रहे हैं, आगे प्रूफ्ड करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एल फंक्शन ऑफ टी टू द पावर एन, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है प्रूफ करने के लिए, इसे आप ध्यान से देखेंगे, इसमें टी टू द पावर एन का क्या है कि इंटीग्रेशन जीरो टू, सेम मेथड बढ़ेंगे हम, सेम मेथड अप्लाई करेंगे और कुछ नहीं है इसमें प्रूफ करने के लिए, सेम मेथड अप्लाई करेंगे, ई माइनस एस टी इंटू टी टू द पावर एन डी टी, कॉफिशियंट ऑफ टू वेरिएबल्स, तो इसके लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे हम, पुट एस टी इज इक्वल्स टू वाई, पुट कर दिया एस टी इजक्वल्स टू वाई, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा एस डी टी बाय डी टी, एस कॉन्स्टेंट है, दिस इज टू डी वाई बाय डी टी, दिस इज कस टू डी वाई इज कस टू डी टी इज कस टू डी वाई बाय डी टी इज कस डी वाई बाय एस डी टी आ गया, और यहाँ पर हम टी के बदले में क्या पुट करेंगे, वाई बाय एस, टी इज कस टू वाई बाय एस, और t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y बाय s, ये s नीचे चला गया, t इज इक्वल्स टू, तो इसमें आप पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट e माइनस एस टी की जगह पर हम क्या दे देंगे y, एस टी के जगह पर y पुट कर दिए, t के जगह पर हम क्या पुट करेंगे y बाय s टू दी पावर क्या है n, और dt टी के जगह पर क्या लिखेंगे dy वाई बाय एस, हम लिमिट को सेम रखें, लिमिट को क्यों सेम रखें, अगर हम पुट करते हैं जीरो t की जगह पर तो ये y इज कस्टू जीरो आ जाता है, फिर इनफाइनाइट पुट करते हैं t की जगह पर तो क्या होता है y इज कस्टू इनफाइनाइट आ जाएगा, इसलिए लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो अब इसको हम क्या करेंगे, दिस इज कस्टू जीरो टू इनफाइनाइट ई माइनस वाई वाई टू द पावर एन, अब ये एस टू द पावर एन है, यहाँ एस टू द पावर वन है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा एस टू द पावर एन प्लस वन, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा एस टू द पावर एन प्लस वन, यहाँ वन है यहाँ एस टू द पावर एन है, दोनों मिला करके एस टू द पावर यहाँ हो जाएगा डी वाई, अब हम क्या करेंगे इसको, एस टू द पावर एन प्लस वन क्या है कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए
वन बाय एस टू द पावर एन एन प्लस वन, बाहर निकाल लिया इसको हो गया जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस वाई एंड वाई टू द पावर एन डी वाई, इतना आया। अब ये है किसके लिए है, इसमें अगर कर देते हैं ये गामा फंक्शन क्या होता है, ये है गामा फंक्शन एन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट और ई टू द पावर माइनस वन इन टू वाई टू द पावर एन डी वाई हो जाएगा, गामा फंक्शन कहलाता है। और इसी में हम क्या करेंगे, इसी में एन प्लस वन गामा फंक्शन क्या हो जाएगा, एन प्लस वन दिस इज इक्वल्स टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस ई टू द पावर माइनस वाई इंटू वाई टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन डी वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा फंक्शन एन प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं हम, इसको गामा फंक्शन एन प्लस वन बाय एस टू द पावर एन प्लस वन फॉर एन इज़ टू एन इज ग्रेटर देन माइनस वन, माइनस वन से बड़ा होना चाहिए और फ्रैक्शन में होना चाहिए। गामा फंक्शन का फॉर्मूला होता है, गामा फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, गामा फंक्शन का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, गामा फंक्शन एन प्लस वन इज इक्वल्स टू होता है एन गामा फंक्शन एन, इसका फॉर्मूला ये होता है एन प्लस वन गामा फंक्शन एन, गामा फंक्शन एन एन इंटू गामा फंक्शन एन होता है। इसे नोट कर लें, नोट करने के बाद इसको फिर आगे हम बढ़ेंगे। साइन ए टी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी एफ साइन ए टी, इसी को इस तरह से लिख सकते हैं हम, फ्रॉम डिफिनेशन दिस मच एंड दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई माइनस एस टी इंटू एफ टी की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन ए टी डी टी। दो वेरिएबल्स आ गए यू इंटू वी, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम बनाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू इंटू वी डी एक्स, क्या इसका फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल्स टू यू एक को कांस्टेंट करें, यू को कांस्टेंट करेंगे, वी का क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस जिसको कांस्टेंट किए उसका डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट यू डैश डी यू बाय डी एक्स करेंगे इंटू इंटीग्रेशन का भी डी एक्स, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन और डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो हम इसमें यहाँ कांस्टेंट करेंगे, किसको कांस्टेंट करेंगे, ई माइनस एस टी को हम कांस्टेंट करते हैं और इंटीग्रेट किसको करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे हम साइन ए टी डी टी, साइन ए टी डी टी को इंटीग्रेट करेंगे। जीरो टू इनफाइनाइट हो गया, जीरो टू इनफाइनाइट इसका इंटीग्रेशन का है लिमिट माइनस जिसका हम जो कांस्टेंट रखें उसका डिफरेंशिएट करेंगे यानी यू डैश निकालेंगे इसका, तो क्या होगा हमारा ई माइनस एस टी इंटू, क्योंकि डी ई एक्स का क्या होता है, डी ई एक्स का फॉर्मूला होता है बाय डी एक्स, इसका होता है फॉर्मूला ई एक्स और कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट का अलग होगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस एस, इसका डिफरेंशिएट करके किसके रिस्पेक्ट में होगा माइनस एस टी के रिस्पेक्ट में होगा और माइनस एस टी को क्या करेंगे डी टी बाई डी टी वन हो जाएगा, माइनस एस रह जाएगा, इसका इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस
cos at by a माइनस कॉस ए टी बाय ए। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ डी टी लिख दीजिए। अब ये आ गया हमारा क्या, दिस इज इक्वल्स टू माइनस कॉस ए टी का क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस ई माइनस एस टी इंटू कॉस ए टी बाय ए, ये हो गया जीरो टू इनफाइनाइट माइनस, ये माइनस है माइनस प्लस हो गया तो क्या आएगा एस बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकाल लीजिए, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकाल लेंगे। कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकालने के बाद फिर आता है हमारा इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई माइनस एस टी इंटू कॉस ए टी डी टी। फिर हमारा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स, दो वेरिएबल्स फिर आ गया, फिर इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से निकालेंगे इसको। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ई माइनस एस टी कॉस ए टी बाय ए जीरो टू इनफाइनाइट माइनस एस बाय ए, फिर इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं तो क्या होगा, कांस्टेंट को किसको कांस्टेंट करेंगे, ई माइनस एस टी को कांस्टेंट करेंगे, ई माइनस एस टी को कांस्टेंट करेंगे, किसका इंटीग्रेट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करिए कॉस ए टी को डी टी जीरो टू इनफाइनाइट। अब फिर इसका क्या करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन जिसको हम कांस्टेंट करेंगे उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह से आ जाएगा ई माइनस एस टी ब्रैकेट में रखिए माइनस एस इंटू कॉस ए टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन ए टी, साइन ए टी कोफिशियंट है ए तो इसलिए आ जाएगा नीचे ए इंटू डी टी, ये पूरा हो गया जीरो टू इनफाइनाइट रहेगा, इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अब क्या करेंगे, अब करिए इसको दिस इज इक्वल्स टू माइनस ई माइनस एस टी कॉस ए टी बाय ए जीरो टू इनफाइनाइट माइनस एस बाय ई माइनस एस टी साइन ए टी बाय ए माइनस, अभी आ गया माइनस माइनस प्लस प्लस एस बाय ए कांस्टेंट बाहर कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमें इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई माइनस एस टी इंटू साइन ए टी डी टी, ये आ गया। अब इसको फिर लिखेंगे ऊपर से, आप नोट कर लीजिए फिर ऊपर मिटाएंगे, उसके बाद आएगा रिजल्ट हमारा क्या आएगा ये रिजल्ट, इसको हम दिस इज इक्वल्स टू माइनस ई माइनस एस टी कॉस ए टी बाय ए जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट माइनस ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे, अब ब्रैकेट ब्रेक करने के बाद क्या हो जाएगा माइनस एस बाय ए स्क्वायर ई माइनस एस टी साइन ए टी ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, इतना आ गया। अब इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा एस स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा क्या है, इसको क्या प्रूफ करें ई माइनस एस टी साइन ए टी डी टी किसके बराबर है, एल साइन ए टी के बराबर है, एल साइन ए टी, एल साइन ए टी के बराबर है। अभी इसको इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एल साइन ए टी प्लस माइनस वाला आ जाएगा प्लस एस स्क्वायर बाय ए स्क्वायर साइन ए टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये दोनों को कॉन्स्टेंट क्या करेंगे इसको
ये भी है 0 to infinite, इसमें क्या है निकाल लेंगे हम s बाय 1 by a square, निकाल लीजिए इसको 1 by a square निकालते हैं बाहर तो क्या आता है 1 by a square निकालेंगे तो इसमें a 1 by a square इंटू e-st, दोनों में कॉमन ले लेते हैं e-st कॉमन ले लेते हैं 1 into e-st, यानी 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, लिख लीजिए e-st। अब बचेगा क्या है यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ a cos at और माइनस यहाँ बचेगा ए स्क्वायर निकाल लिए बाहर e-st e-st निकाल लिए तो ये क्या बचेगा s into sin at और इंटीग्रेशन क्या है लिमिट क्या है e to 0 to infinite। अब क्या आएगा ऊपर से हम मिटा देते हैं नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद हम मिटाएंगे इसको तब क्या आएगा कॉमन आएगा यहाँ क्या आएगा l sin at कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है इनटू में वन प्लस एस स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू अब लिमिट पुट करेंगे हम तो इसमें क्या हो जाएगा e-st लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर e-st इन्फाइनेट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो और उसके बाद जीरो पुट करेंगे तो ये वन हो जाएगा और उधर जीरो हो जाएगा लिमिट क्या पुट करेंगे जैसे है लिमिट 1 by a square और e-st e-s into infinite a cos at into a cos a into infinite माइनस s into sin infinite into t infinite into a ये एक पार्ट हो गया इन्फाइनाइट पुट करने के बाद फिर आप पुट करते हैं e माइनस s into infinite माइनस इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है सीधे लिख दीजिएगा जीरो लिख सकते हैं जीरो और माइनस सीधे लिख सकते हैं इसको जीरो कोई ज़रूरी नहीं ये लिखना इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा इसे जीरो हो जाएगा ये पोर्शन दूसरा पोर्शन आएगा जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए ए माइनस जीरो माइनस और ये आ जाएगा जीरो ए कॉस ए टी का क्या हो जाएगा ए कॉस ए टी का क्या हो जाएगा ए कॉस जीरो माइनस जीरो आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे एल साइन ए टी ए स्क्वायर यानी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होगा इज इक्वल्स टू 1 by a square इंटू ए अब ये a square उड़ जाएगा कट जाएगा a square कटने के बाद क्या बचेगा हमारा l sin at इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए देयरफॉर l sin at इज इक्वल्स टू ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर एस इज ग्रेटर देन ए प्रूव्ड। सिमिलरली प्रूव्ड करेंगे
फिर cos 80 को इसी तरह से प्रूव करेंगे सिमिलरली. cos 80 सेम मेथड से प्रूव्ड होगा, सेम मेथड से प्रूव्ड होने के लिए उसको सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. हम प्रूव करते हैं आगे साइन HAT. इंक ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा इंक भरने दीजिए, इंक भर लेते हैं. अब है हाइपरबोलिक साइन 80, हाइपरबोलिक साइन 80. कॉस 80 का भी सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं आप लोग इसी तरह सेम मेथड से, कोई दिक्कत नहीं है. सेम मेथड से इंटीग्रेशन में पार्ट से उससे भी बन जाएगा. अब आइए एल एफ साइन HAT यानी हाइपरबोलिक 80 का कैसे हम निकालेंगे. हाइपरबोलिक HAT तो फ्रॉम डिफिनेशन LFT का तो दिस मच वो तो रहेगा ही. तो क्या होगा यहाँ, इंटीग्रेशन 0 to ∞ e-ST FT की जगह पर क्या देंगे हम, साइन HAT dt, साइन HAT dt. अब क्या इसमें आता है 0 to ∞ e-ST साइन हाइपरबोलिक x का क्या आता है, फार्मूला होता है साइन HX इक्वल्स टू होता है EX माइनस e-X बाय 2 IX. हाइपरबोलिक का यही होता है EIX माइनस e-IX. e sin HX ये डी मोवर्स में होता है, इसमें EX e-X. ठीक है, अब आते हैं साइन HAT का क्या हो जाएगा, EAT माइनस e-AT बाय 2 DT. साइन हाइपरबोलिक AT का फॉर्मूला ये आ गया. अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 to ∞ EST EAT क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म है, इसको मल्टीपल बेस सेम है तो क्या होगा, पावर जुटेगा e to the power -t s-a आ जाएगा, माइनस dt कर दीजिए, सीधे dt कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर रहे थे dt कर देंगे, हाफ ले लिए बाहर, फिर क्या आ जाएगा यहाँ भी हाफ नहीं लिखे तो कॉमन ले लेते हैं, माइनस क्या होगा इंटीग्रेशन 0 to ∞, फिर क्या आ जाएगा इसमें से बेस सेम है तो दोनों क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे e to the power -t कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा s+a dt. ये समझ में आ गया, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा s-t कॉमन लिए तो s-a आ जाएगा, और इसमें -t इसमें भी कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर s+a आ जाएगा. दोनों को अलग अलग हम इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, हाफ तो है ही, हाफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका, इंटीग्रेशन e-t s-a कोफिशियंट क्या है, टी का वेरिएबल्स का कोफिशियंट क्या है, s-a, तो यहाँ आ जाएगा -s-a कोफिशियंट नीचे आता है इंटीग्रेशन में, तो इसको हम 0 to ∞ कर दीजिए, माइनस इसका भी उसी मेथड से होगा
e माइनस टी एस प्लस ए बाय, कोफिशिएंट इसका क्या है अलग है, माइनस एस प्लस ए, जीरो टू इनफाइनाइट हो गया इसका, ब्रैकेट बराबर बंद कर दीजिए क्योंकि हाफ कॉमन है, दोनों का हाफ कॉमन है। तो अब आते हैं क्या हो जाएगा, लिमिट पुट कीजिए हाफ, तो पहला पोर्शन इनफाइनाइट, फर्स्ट लिमिट जो अपर लिमिट होता है क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा। आइए माइनस माइनस प्लस वन बाय ई टू द पावर जीरो, ई टू द पावर जीरो का मतलब क्या हुआ, ई टू द पावर जीरो और एस माइनस ए आ गया। फिर उसी तरह से माइनस ये आ जाएगा ई टू द पावर, फर्स्ट अपर लिमिट क्या हो जाएगा इन्फाइनाइट, तो ये जीरो हो जाएगा पोर्शन, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस जीरो टू प्लस वन बाय एस प्लस ए, यानी ई टू द पावर जीरो, ई टू द पावर जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा वन हो जाएगा वही। यहाँ क्या करेंगे फिर इसको आप कीजिए कि हाफ इसको नोट कर लें, यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम इसको, हम इस पोर्शन को आगे हम सॉल्व करते हैं, मिटा लें उसके बाद। क्या आएगा हाफ, दिस इज इक्वल टू हाफ ई टू पावर जीरो का वैल्यू होता है वन बाय एस माइनस ए इंटू माइनस वन बाय एस प्लस ए, एस माइनस ए और एस प्लस ए, एलसीएम लीजिए इसका तो क्या आ जाएगा हाफ इंटू एस के नीचे में क्या आ जाएगा एस माइनस ए और एस प्लस ए, ऊपर में लिखेंगे एस प्लस ए, ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, एस प्लस ए एलसीएम लिए हैं, एस माइनस ए और एस प्लस ए का एलसीएम लिए तो ये पोर्शन हट जाएगा, उसके बाद एस प्लस ए आ जाएगा माइनस एस और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए, यही चीज आ जाएगा हमारा, क्या ये आ जाएगा माइनस एस और ये एस कट जाएगा तो क्या बचेगा टू ए हाफ इंटू टू ए बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी फॉर्मूला पर हम ये सेट करेंगे एस माइनस ए इंटू एस प्लस ए एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये टू टू कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा ए बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वेयर एस इज ग्रेटर देन ए, प्रूफ्ड, ये प्रूफ्ड हो गया। इस प्रकार से फर्स्ट प्रिंसिपल से फॉर्मूला निकल जाता है। उसी तरह से आप निकाल सकते हैं कॉस एच ए टी, कॉस एच ए टी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एच एक्स का होता है, कॉस एच एक्स का होता है सेम फॉर्मूला है ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स बाय टू, इतना फॉर्मूला आता है। इसी के आधार पर उसको भी बना सकते हैं, यहाँ माइनस है वहाँ प्लस है, वहाँ क्या होगा एस हो आ जाएगा और यहाँ आ जाए एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, सेम मेथड से ये फॉर्मूला इस तरह से हम डिराइव करेंगे। तो आगे हम आगे कुछ क्वेश्चन को हम प्रूफ करेंगे और बनाएंगे कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है जेयूटी के लिए और सब गेट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, गेट एग्ज़ाम के लिए भी आप लोग पढ़ सकते हैं, आईएएस की तैयारी, आईएएस की तैयारी भी कर सकते हैं और भी बहुत से एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए भी ये पार्ट सब समझने के लिए ज़रूरी है, पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर टू में हम फॉर्मुलेटेड इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल जो इससे रिलेटेड जो फार्मूला है उसको हम बताएंगे, फार्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो बताएंगे, उसके बाद हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताएंगे, इसका प्रॉपर्टी बताएंगे, उसके आगे फिर डिवीजन टी का डिवीजन टी मल्टीप्लिकेशन का बताएंगे, उसके बाद डेरिवेटिव्स बताएंगे, उसके बाद इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का बताएंगे नेक्स्ट पार्ट, पार्ट टू में। ये लेक्चर वन है, पार्ट वन का लेक्चर वन,
और अब इतना ही तक, इसके आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी कर सकते हैं आप, क्या समझ में नहीं आया, क्या आया, ये सब भी बता सकते हैं हमको। तो हम चाहेंगे कि और इससे भी इजी मेथड में बताने की कोशिश करेंगे। और मेहनत तो ज़रूरी है, हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क प्लस पॉजिटिव एटीट्यूड इज इक्वल टू सीड्स ऑफ सक्सेस होता है। हार्ड वर्क में ही 98% है और सीड्स ऑफ, और ये पॉजिटिव एटीट्यूड में 100% है, दोनों मिला करके ये सीड्स ऑफ सक्सेस। फेट तो है 47% मात्र, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेन है हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद यही है कि कहेंगे यही कि अभी जब जब जागो तभी सवेरा, यानी खड़ा रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत के आने में मिली सफलता उसको जग में जीने या मर जाने में। तो आप अभी जब जागो तभी सवेरा कहने का मतलब उठो, जागो और बढ़े चलो, बढ़ते चलो, चल चला चल कहते हैं उसको, चलते चलो, बनाते जाओ। और इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए, यही ज़िंदगी का खेल है। जो आप टेंशन में कभी नहीं पड़े, लोड लेकर के कभी नहीं पढ़ना चाहिए, डर को मिटाइए और टेंशन को मिटाइए, टेंशन फ्री होकर के कंसंट्रेटेड माइंड से ही बनावें। थैंक यू।